अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ऑरेंज शॉर्ट्स। टुडे आई एम अगेन हेयर विद वन मोर टेक्निकल वीडियो और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लेटली रिगार्डिंग द पिंग एंड द पैकेट लॉस। पैकेट लॉस की वजह से आपको इंटरनेट ऐसा फील होता है कि वो स्लो हो रहा है और पिंग तो वैसे ही गेमर्स को बहुत बुरी लगती है। गेमर्स तो ये चाहते हैं कि उनको 0 MS पिंग मिले, जो कि मुश्किल है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में जो पिंग से रिलेटेड थी उसमें मैंने आपको सारी ट्रबल शूटिंग बताई थी कि आपने पिंग के मुताबिक अपनी ट्रबल शूटिंग करनी कैसे है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पिंग, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव द पिंग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। बट स्टिल आई थिंक देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द पिंग एंड आई थिंक देर आर अ फ्यू थिंग्स जिसके बारे में लोग कन्फ्यूज होते हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि उनकी पिंग में मसला बेसिकली आ कहाँ पर रहा है। If you are one of those people which are suffering because of the packet loss या जिनका ping बहुत high आ रहा है तो I think कि आज की video आपको help जरूर करेगी। So let's start. So let us suppose कि you have done all of the steps जो कि मैंने आपको अपनी पिछली video में दिखाए थे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली video ना देखी हो तो मैं आपको please ये suggest करूँगा और recommend करूँगा कि आप उसको जाके ज़रूर दोबारा देखें because that is made for you guys and that is made to help you people। आज की video में हम उस चीज़ को एक थोड़ा सा और मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि despite taking all of those facts हम ये suppose करते हैं कि आपकी ping अभी भी कम आ रही है। पहली बात जो आपने करनी है कि आपने खोलना है command prompt, go to windows and by the way आज मैं windows का computer use कर रहा हूँ, so this is how much effort I am putting into it. I have specially arranged a Windows computer ताकि मैं ये आज की वीडियो बना सकूँ। अक्सर लोग Windows पे गेम खेलते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने राउटर को पिंग करना है। याद रखिएगा कि आपका जो राउटर होता है हम उसको मॉडेम को काफ़ी कन्फ्यूज कर रहे होते हैं। यूजली हमारे घरों में कुछ इस किस्म की डिवाइसेज लगी हुई होती हैं, समथिंग लाइक दिस। ये एक PTCL का मॉडेम प्लस राउटर है, इसमें दोनों की दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ये वाईफाई राउटर भी है और ये मॉडेम भी है। दिस इज 2-in-1। कभी कभार क्या होता है कि आपका वाईफाई राउटर अलग लगा होता है, आपका मॉडेम अलग लगा होता है, इसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी लगी हुई हैं। आपने सबसे पहले अपने इस मॉडेम को, इस राउटर को अपने पिंग करना है और आपने ये देखना है कि आपकी पिंग यहाँ से आपके कंप्यूटर तक कैसी आ रही है, आपकी डिवाइस तक कैसी आ रही है। अब इसको पिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा इसका IP एड्रेस। आप इसको रिवर्स करें, यहाँ पे इसका IP एड्रेस लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास मॉडेम पड़ा हुआ है इसका है 192.168.10.1। ऑब्वियसली ये कनेक्टेड नहीं है, अगर ये कनेक्टेड होता तो मैं इस IP एड्रेस के ऊपर पिंग करता, ठीक है, लेकिन ये अब कनेक्टेड नहीं है, मेरा दूसरा वाईफाई राउटर कनेक्टेड है तो मैं उसको पिंग करूंगा, उसका IP एड्रेस है 192.168.0.1। ऑलराइट जनाब, तो करना आपने ये है कि यू हैव टू टाइप CMD ओवर हेयर और जब CMD आपकी ओपन हो गई तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे आपने डालना है जी ping space 192.168.8.0.1। इसमें ये चार पिंग्स करेगा मेरे ख्याल में इसको एक बार, यस 4 पिंग्स एंड यू कैन सी द टाइम दैट इज टेकन इज 1 ms, सो दैट इज एब्सोल्युटली गुड, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इनडेफिनेटली ये करता रहे इसको पिंग, तो आपने करना है पिंग 192.168.0.1 -t। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पिंग कर रहा हूँ अपने इस कंप्यूटर से अपने वाईफाई राउटर को। मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि जनाब आप मेरे वाईफाई राउटर से बात करें और मुझे ये बताएं कि आपको जवाब कितनी देर में मिल रहा है। एंड इट इज़ शोइंग मी के 1 ms, समटाइम्स इट इज़ लेस देन 1 ms, बीच में एक आध बार 8 ms भी आया है, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन क्योंकि ज़ाहरी बात है और डिवाइसेज भी चल रही हैं इस वाईफाई राउटर के ऊपर, तो वाईफाई राउटर को जब डिफरेंट डिवाइसेस एक्सेस करती हैं तो थोड़ा बहुत पिंग ऊपर नीचे होता है, इट इज क्वाइट नेचुरल। द बेस्ट पिंग यू आर गोइंग टू गेट बिटवीन योर कंप्यूटर एंड योर राउटर इज कि आप बीच में से वाईफाई राउटर को कंप्लीटली निकाल दें और आप एक हार्ड वायर रन करें अपने PC से अपने वाईफाई राउटर तक, विच ऑब्वियसली आई एम नॉट डूइंग एट दिस मोमेंट। लेकिन अगर आपकी पिंग 1 ms के आसपास है जैसे कि मेरी आ रही है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर और आपके वाईफाई राउटर के दरमियान का कनेक्शन ठीक है, इट इज परफेक्टली फाइन। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है कि आपने अपने मॉडेम को, इंटरनेट मॉडेम को आपने पिंग करना है, क्योंकि आपका कंप्यूटर जब आपके इंटरनेट के मॉडेम से कनेक्ट हुआ है तो बीच में 2 hops आ रहे हैं। पहली छलांग क्या है कि पहली छलांग आपका डेटा मार रहा है आपके कंप्यूटर से लेके आपके वाईफाई राउटर तक। दूसरी छलांग क्या है कि आपका वाईफाई राउटर आगे से कनेक्टेड है आपके मॉडेम से। मॉडेम वो चीज़ है जो कि आपकी क्या उसको कहते हैं, टेलीफोन केबल, आपकी डेटा केबल से इंटरनेट ले रहा है और उसको इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है कि आप उस इंटरनेट को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं।
प्लीज एक्सक्यूज दिस ओवर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, क्योंकि मेरा बेसिकली मकसद ये है कि हर इंसान इसको आराम से समझ सके, इसलिए मैं इतनी सिंप्लीफाइड और आसान जबान इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे मॉडेम का आईपी एड्रेस क्या है? मेरे मॉडेम का आईपी एड्रेस है 192.168.20.1, सो पिंग स्पेस 192.168.20.1 1 मिलीसेकंड। अगर आपका वाईफाई राउटर और आपका मॉडेम दोनों इस एक चीज के अंदर भी मौजूद हैं, तब भी दोनों का आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आपको फिर अपने मॉडेम का आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? मैं आपको भी थोड़ी देर में वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो जस्ट स्टे विद मी फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऑलराइट, सो हमने अपने मॉडेम को भी पिंग किया और मॉडेम को पिंग करने के बाद भी हमारे रिजल्ट 1 मिलीसेकंड था, यानी कि माई कंप्यूटर इज फेयरली कनेक्टेड टू माई राउटर एंड टू द मॉडम। मेरा जो कंप्यूटर है वो मेरे वाईफाई राउटर से भी उसका कनेक्शन अच्छा है और उसका मेरे मॉडम से भी कनेक्शन अच्छा है। इट इज गुड। पी एन जी पिंग 192.168.20.1-T 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड। इट्स ऑसम, इट इज गुड। ठीक है जी, ओके, सो लेट अस सपोज कि आपने ये दोनों के दोनों काम किए और आपके कहीं एक पे बॉटलनेक आ रही है, आपके या तो कंप्यूटर से वाईफाई राउटर तक पिंग ज़्यादा आ रही है और या फिर वाईफाई राउटर से आपके मॉडेम तक पिंग ज़्यादा आ रही है। दिस मीन्स दैट यू नीड टू चेंज योर इक्विपमेंट और यू नीड टू चेंज समथिंग। अब उस समथिंग चेंज करने में आपने क्या करना है कि आपका जो पीसी है वहां से अपने राउटर तक, बल्कि राउटर को बीच में से निकाल ही दें, आप अपने पीसी से उठा के और अपने मॉडेम तक हार्ड केबल डाल दें, Cat5, Cat6 की केबल डालें, जो कि आपको कम से कम अच्छी स्पीड दे, अच्छी पिंग दे, आपका डिले इतना ज़्यादा ना आए। इट विल हेल्प यू अलॉट इन केस द पिंग इज हाई बिटवीन योर वाईफाई राउटर एंड योर मॉडेम। अगेन द सेम थिंग अप्लाइज, आपने करना ये है कि अपने वाईफाई राउटर से लेके अपने मॉडेम तक जो केबल है उसको चेंज कर दें, Cat5, Cat6 की अच्छी केबल लगा दें। लेट अस सपोज कि आपने ये दोनों पहले दो हॉप्स का इशू रिजॉल्व कर लिया, लेकिन आपकी पिंग नहीं अच्छी आ रही, फिर क्या मसला हो सकता है? वेल, फॉर दैट वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ओपन योर ब्राउज़र। अपना ब्राउज़र ओपन करें, आपने जाना है जनाब pingplotter.com के ऊपर। pingplotter.com के ऊपर आपने ये 14-day ट्रायल लिखा हुआ है ना, इसको आप डाउनलोड कर लें, परेशान नहीं होना, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपने इसको चेंज कर देना है फ्री वर्जन में। जब डाउनलोड कर लें, वर्जन चेंज कर लें, pingplotter को फ्री वर्जन में कन्वर्ट कर लें, तो आपने फिर इसको ओपन कर देना है pingplotter व्हेन इट इज़ ऑलरेडी ओपन। आपने इंटरवल को चेंज कर देना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड इज गुड, 2.5 सेकंड इज टू लेट, 0.5 सेकंड अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक दैट इज टू क्विक। सो इतनी बार बार पिंग एक्सचेंज होगी तो फिर आपको पैकेट लॉस काफ़ी ज़्यादा नजर आएगा, जो कि एक्चुअल में एक सुपरफिशियल पैकेट लॉस है, एक्चुअल नहीं है। सो आई थिंक 1 सेकंड शुड बी गुड एनफ। फोकस को आप रखें ऑटो पे एंड देन सेलेक्ट एनी ऑफ द ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या है कि आप किसी एक वेबसाइट के सर्वर के ऊपर पिंग करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर से यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, google.com, pingplotter, akamai, Twitter। लाजमी नहीं है कि आप ये यूज़ करें, आप अपनी चॉइस की कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने सेलेक्ट ऐसी वेबसाइट करनी है जिसका सर्वर आपको पता हो कि रिलायबल है और अच्छा है और फास्ट है, जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है और कभी ओवरलोड नहीं होता। तो आई थिंक दैट इज़ गूगल। हालांकि गूगल अभी 2-4 दिन पहले यूट्यूब बैठ गई थी, बट गूगल हैज़ अ गुड सर्वर, सो वी प्रेस google.com। हमने जैसे ही google.com को प्रेस किया, आपके सामने आपकी पूरी की पूरी पिंग प्लॉट हो गई। मेरा इस वक्त जो टोटल पिंग आ रही है गूगल से जाने में और आने में, इट इज़ अराउंड 45, 55, 45, 52, 48, 52। इट इज़ नॉट बैड बाई एनी मीन्स, ये किसी भी तरह से बुरी नहीं है। अब आप स्टार्ट करें ट्रेस नंबर 1 से। ट्रेस नंबर 1 क्या है जी? 192.168.0.1, ये मेरा कंप्यूटर से लेके और वाईफाई राउटर तक का पिंग है। कितना आ रहा है? 1.8, 1.7, 1.1, 1.5। गुड। राउटर से मॉडेम, जो कि नेक्स्ट हॉप है, दैट इज 192.168.20.1, 1.7, 1.8, अगेन इट इज़ गुड। मेरा कंप्यूटर से लेके वाईफाई राउटर भी अच्छा है, वाईफाई राउटर से लेके मॉडेम तक भी अच्छा है। थर्ड हॉप इज 10.1.1.1, ये जो आपकी लोकल कैबिनेट है जो कि आपके एरिया में लगी हुई होती है। मेरे एरिया में कुछ इस तरह की कैबिनेट लगी हुई है, ये जो मैं अभी आपको सामने दिखा रहा हूँ,
वहाँ तक मेरी पिंग आ रही है 9 से लेके 11 मिली सेकेंड, कभी 6 आ रही है, कभी 9 आ रही है, कभी 7 आ रही है, बाय ऑल मीन्स इट इज़ एक्सेलेंट। तो अब मेरे कंप्यूटर से वाईफाई तक का भी कनेक्शन अच्छा है, वाईफाई से मॉडेम का भी कनेक्शन अच्छा है, वाईफाई से लेके और कैबिनेट तक का भी कनेक्शन अच्छा है। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे पिंग यानी कि थर्ड हॉप, याद रखिएगा थर्ड हॉप जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड हॉप पे अगर आपकी पिंग ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लोकल एरिया में कैबिनेट लगी हुई है, कुछ एरिया में डीपीज लगी होती हैं, दे कॉल इट डाटा पोल्स, डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स, समथिंग लाइक दैट, इन माय एरिया इट इज कैबिनेट, कैबिनेट इज FTTC यानी कि फाइबर टू द कैबिनेट। सो तो आपकी कैबिनेट जो है वो उसके तक आपकी जो पिंग आ रही है वो ये है 5.6, इट इज एक्सेलेंट, बाय ऑल मीन्स इट इज एक्सेलेंट। अगर यहाँ पे आपकी पिंग अच्छी ना आ रही हो, जो कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप में अक्सर लोगों का जो पिंग का इशू आएगा ना वो थर्ड हॉप के ऊपर आएगा। प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस थर्ड हॉप, एटलीस्ट नॉट क्विकली, क्योंकि थर्ड हॉप जो है ये आपकी कैबिनेट है, कैबिनेट प्रोवाइड करता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो जो भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PTCL, फाइबर नेट, फाइबर लिंक, जो मर्जी है। यहाँ पे अगर आपकी पिंग अच्छी नहीं आ रही ना, यहाँ पे अगर आपकी पिंग आपको प्रॉब्लम कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कैबिनेट के अंदर कोई ना कोई इशू है, या उस कैबिनेट से आपके घर के दरमियान में कोई इशू है, कोई जोड़ है जो टूटा हुआ है, या आपकी कैबिनेट ओवरलोड हुई हुई है। अगर तो आप अकेले और वाहिद आदमी हैं जिसको थर्ड हॉप पे पिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको रुला देना है, आप रुल जाएंगे, क्योंकि एक आदमी के लिए तो वो पूरी कैबिनेट चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पूरी लोकेलिटी में इशू आ रहा है और पूरी लोकेलिटी आपकी ये जना प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है कि इसको कुछ करें, इसका कुछ करें, इसका कुछ करें, कुछ हो जाएगा उसका, वरना अगर अकेले आप हैं तो आपके लिए फिर बड़ा मसला है। आपने दुआ यही करनी है कि थर्ड हॉप तक आपको कोई इशू ना आए, फर्स्ट से सेकेंड हॉप में हो, या तो फर्स्ट हॉप में हो या सेकंड में हो, जिसको खुद आप रिजॉल्व कर लें। लेकिन अगर इशू इस थर्ड हॉप के ऊपर है तो देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक, फिर आपको अच्छा खासा लंबा इसके लिए जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से वो आपका इक्विपमेंट चेंज करें, लाइंस चेंज करें, कोई ऐसी चीज चेंज करें। आपकी डीबी अगर ओवरलोड भी हो रही है ना, जिन जिन एरियाज में डीबीज लगी हुई है, या अगर आपकी कैबिनेट ओवरलोड हो रही है जहां जहां पे कैबिनेट्स लगी हुई है, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये दो अलहदा अलहदा किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं PTCL के, वहां पे या तो फिर कलेक्टिवली सबको इशू आए, सब कलेक्टिवली प्रोटेस्ट करें तो जल्दी आपका काम हो जाएगा, वरना फिर आपके पास ऑप्शन रह यही जाती है कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टैक्ट करें, उसको बोलें कि भाई मेरा ये इशू आ रहा है, मेरे इस इशू को रिजॉल्व करो, यू शुड रिजॉल्व दिस इशू ऑफ माइन। अगर वो अपनी सारी एफर्ट्स एग्जॉस्ट कर करके थक जाता है और आपका इशू फिर भी रिजॉल्व नहीं हो जाता, तो फिर आपने जनाब कंप्लेन करनी है PTA को, इन केस ऑफ पाकिस्तान PTA की अपनी वेबसाइट पे जाना है और PTA की वेबसाइट पे जाके आपने अपनी कंप्लेन लॉन्च कर देनी है। इन केस अगर आप परेशान हो रहे हो कि PTA की वेबसाइट पे कंप्लेन लॉन्च कैसे करनी है, तो आपने ऐसे करनी है, PTA पे जाएं। PTA की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपने करना ये है कि आपने जाना है कंज्यूमर कंप्लेंट्स में, आपने कंज्यूमर कंप्लेंट्स को क्लिक करना है। कंज्यूमर कंप्लेंट्स को क्लिक करने के बाद आपने ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म में जाना है, यहाँ पे आपका ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म मिल जाएगा। आपने इसमें सबकी सब डिटेल्स डालनी है और आपने इसमें पूरी डिटेल्स डालनी है कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर आपके साथ कर क्या रहा है, एंड यू शुड कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि PTA जब इनको करता है ना प्रेस और जब इनको अच्छे तरीके से इनको लताड़ता पकड़ के, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अगर आपका इशू इस थर्ड हॉप के बाद आ रहा है, एज यू कैन सी कि मेरा जो इशू आ रहा है इस वक्त प्रेजेंटली, पहले नहीं आ रहा था जब मैंने टेस्ट किया था, 7th हॉप में है। पिंग तो खैर मेरी अभी टोटल ओवरऑल 45 अभी भी बन रही है, लेकिन मेरा पैकेट लॉस यहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो गया है, यहाँ पे पिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा पहले आई है, बीच में कुछ देर आई है, अभी तो 8.9 8.8 आ रही है, लेकिन बीच में कुछ देर आई है। थर्ड हॉप के बाद चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि अगर फोर्थ हॉप पे आप जाएँ, फोर्थ हॉप है आपका 192.168.101.1, ये आपका फिर क्या हो गया कि आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसने जिस नेशनल कंपनी से लिया हुआ है ना कनेक्शन, वहाँ पे इशू आया हुआ है। तो मेरा इंटरनेशनल लिंक तक, यानी कि जहाँ से पाकिस्तान की केबल इंटरनेशनली फिर आगे जाती है, वहाँ तक मेरे पास हर चीज़ परफेक्ट है। लेकिन तीसरे के बाद ना आपके कंट्रोल से फिर चीज़ें बाहर हैं, और तीसरे के बाद आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि अगर तीसरे के बाद चौथे में इशू आता है या पांचवें में इशू आता है, तो फिर उससे पूरा पाकिस्तान ही इफेक्ट हो रहा होगा इन केस यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, या पूरा इंडिया ही इफेक्ट हो रहा होगा इन केस यू आर सिटिंग इन इंडिया और इन बांग्लादेश, पे रेवर यू आर सिटिंग। इंटरनेशनल लिंक तक मेरी 12 से 15 के बीच में पिंग आ रही है, मेरे ख्याल में इससे अच्छी पिंग आपको नहीं मिल सकती। सो नाउ रिमेंबर, देर आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, फर्स्ट हॉप, सेकंड हॉप, थर्ड हॉप। थर्ड हॉप पे आपने दुआ ये करनी है कि यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ना कोई इशू आ रहा हो। थर्ड हॉप के बाद जो चौथा हॉप है वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आपका नेशनल लिंक होता है, और नेशनल लिंक पे कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो वो खुद बड़े परेशान हो जाते हैं,
वो बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज देन ऑफ अ जाइगेंटिक लेवल, वो काफ़ी बड़े लेवल का प्रॉब्लम फिर होता है, तो वो फिर कंपनीज खुद ही रिजॉल्व करती हैं. ओके, नाउ वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था पैकेट लॉस. पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पैकेट लॉस इज सब्जेक्टिव. अभी अगर मैं आपको अपना स्पीड टेस्ट करवाऊँ तो लेट्स गो टू स्पीड टेस्ट डॉट नेट. ओके, लेट इट फाइंड द ऑप्टिमल सर्वर फाइबर लिंक एंड वी गो. यू कैन सी माई पिंग इज 11 मिली सेकेंड्स. इससे अच्छी क्या पिंग आपको मिलेगी यार? आई थिंक दैट इज मोर देन गुड. ये मेरे स्टूडियो का कनेक्शन है तो ये जरा डिफरेंट है. ये 12 Mbps का ही है तो मुझे स्पीड भी पूरी मिल रही है, पिंग भी बहुत अच्छी आ रही है. तो ये 12 Mbps डाउनलोड और 12 Mbps अपलोड है, फुल स्पीड मिल रही है, फुल पिंग मिल रही है. वट एल्स डू यू नीड? आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स. सो मैंने आपको अभी क्या बताया कि पैकेट लॉस इज सब्जेक्टिव, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. समटाइम्स आपकी पिंग बहुत अच्छी आ रही होती है लेकिन द पीपल एट योर होम दे आर स्टिल कंप्लेनिंग कि यार इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा, इंटरनेट में मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि स्पीड कम हुई हुई है. दिस फिनोमेना इज यूजुअली एसोसिएटेड विद पैकेट लॉस. पैकेट लॉस की कई वजूहात हो सकती हैं. पैकेट लॉस पहली बात यह कि होता क्यों है कि मैंने अब एक कमांड भेजी, मैंने अपने वाईफाई राउटर से पूछा कि भाई क्या हाल चाल है. वाईफाई राउटर ने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ. पहली दफ़ा गया सवाल, पहली दफ़ा जवाब आ गया, पिंग भी अच्छी आ गई, पैकेट लॉस भी कोई नहीं हुआ. पैकेट लॉस होता क्या है कि इसने पैगाम भेजा वाईफाई राउटर को हाँ भाई क्या हाल है, उसने नहीं सुना, उस तक आवाज़ पहुँची ही नहीं. इसने फिर भेजा हाँ भाई क्या हाल है, उसने फिर भी आवाज़ नहीं सुनी. उसने तीसरी बार इसने भेजा उसको सवाल हाँ जी क्या हाल चाल है, तीसरी बार उसने जवाब दिया. तो मैं आपको ये ओवर सिंप्लीफाइड बिल्कुल आसान जबान में आपको समझा रहा हूँ कि ये आपके कितने पैकेट लॉस हो गए, 3 पैकेट लॉस हो गए. असल में ये नहीं हुए, असल में अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज में जाएँ तो कुछ और टर्मिनोलॉजी है, बहरहाल मैं उसमें नहीं जा रहा, सिंप्लीफाइड बिल्कुल रख रहा हूँ. तो ये आपके 3 पैकेट लॉस हो गए क्योंकि आपका वाईफाई राउटर आपको सुन नहीं पा रहा, उसने तीसरी अटैम्प्ट में जाके सुना. जब उसने सुना तो उसने फौरन जवाब दे दिया, तो पिंग आपकी ठीक आ गई लेकिन 3 आपके पैकेट लॉस हो गए. पैकेट लॉस की कई वजूहात हो सकती हैं, उसमें एक सबसे कॉमन वजह क्या होती है कि आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती. कई दफ़ा जब पैकेट लॉस का इशू आ रहा होता है तो लोगों के पास कनेक्शंस छोटे होते हैं, कम होते हैं, 1 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps. हर 10 Mbps का कनेक्शन वैसे ठीक होता है लेकिन अगर आपके घर में बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वीडियो डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो देन नेटफ्लिक्स की वजह से आपका पैकेट लॉस हो सकता है क्योंकि आपका वाईफाई राउटर जो है वो प्रायोरिटी किसको दे रहा है, वो दे रहा है आपके वीडियो स्ट्रीमिंग को, आपकी गेम की प्ले को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा. इस केस में अगर आपका पैकेट लॉस हो रहा है यानी कि आपके पास बैंडविड्थ अच्छी नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू शुड गो टू दी होम पेज ऑफ योर राउटर 192.168.0.1. खैर सैडली यहाँ पे भी QoS नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वरना एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में अपनी आप गेम प्ले को फेवरेट कर दें कि जी जब भी मेरी गेम चल रही हो ना तो बाकियों की वीडियो स्ट्रीमिंग को लिमिट कर दो. उससे बिल्कुल एलिमिनेट तो नहीं होगा इशू लेकिन बेहतर हो जाएगा. दूसरा इशू आपके पास यूजुअली जो आ रहा होता है वो ये होता है कि आपके वाईफाई मॉडेम की मेमोरी फिलअप हो जाती है. पुराना मॉडेम होगा, इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होगा. उस केस में आप उसको मॉडेम को रीस्टार्ट कर लेंगे, आपका इंटरनेट शुरू में 1 घंटा ठीक चलता रहेगा, पैकेट लॉस भी कम से कम होगा, 1 घंटा आधा घंटा जितनी उसकी कैपेबिलिटी है. उसके बाद फिर दोबारा आपके पैकेट लॉसेज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका जो वाईफाई राउटर है वो इतनी सारी डिवाइसेस की तरफ से जो क्वेरीज आ रही हैं और जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, उसके अंदर इतनी मेमोरी मौजूद नहीं है. इन दैट केस यू हैव टू रिप्लेस, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू रिप्लेस योर वाईफाई राउटर. या फिर आपने ये काम करना है कि आप उसको हर आधे पौने घंटे में रीस्टार्ट करते रहें, थोड़ी देर वो चलता रहेगा, उसके बाद वो फिर दोबारा पैकेट लॉस शुरू कर देगा. ये दोनों की दोनों सबसे अहम चीज़ें होती हैं, सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं और सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं. 99.99% ऑफ टाइम्स व्हेन यू हैव पैकेट लॉस, या तो आपके पास बैंडविड्थ नहीं होती और आपके ज़्यादा चीज़ें, आपकी ज़्यादा एप्लीकेशंस, डिवाइसेस इंटरनेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती हैं, और या फिर आपका जो वाईफाई राउटर है वो इतना पुराना होता है कि वो इतनी सारी मेमोरी को हैंडल नहीं कर पाता. इन बोथ ऑफ दीज केसेस यू हैव टू आइदर लिमिट द बैंडविड्थ दूसरे लोगों की, और इन केस इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी तो फिर आपने करना ये है कि आपने अपना वाईफाई राउटर चेंज करना है. एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट कि बेसिकली इशू कहाँ पे आ रहा है पिंग का, कहाँ पे जाके अपने पिंग के इशू को रिजॉल्व करना है, और आपने इन केस यू हैव द पैकेट लॉस तो आपने करना क्या है. आई थिंक व्हेन यू गाइस विल डू दिस यू विल हैव अ बेटर कनेक्शन. तो एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ और मैं आज फिर उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा कि व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेट, जब आपको इंटरनेट की समझ होती है आपको प्रॉब्लम्स कम आती हैं, आप बहुत सारे इश्यूज को खुद रिजॉल्व कर लेते हैं, हर काम के लिए आपको अपनी ISP के पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हर चीज़ को खुद ब खुद हैंडल कर लेते हैं. और यकीन जाने पिछले 8-10 साल में जब से मेरी इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है,
मुझे हार्डली कुछ दफ़ा फ़ोन करना पड़ा अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको किसी न किसी तरीके से इस वीडियो ने हेल्प ज़रूर की होगी। सो इन केस दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन एनी वे तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ ज़ाहिद निसार, यू आर वॉचिंग ऑरेंज शॉर्ट्स। अल्लाह हाफ़िज़।